First of all, thank you so much. Itne short notice pe yahan aane ke liye. I hope you guys are enjoying the hospitality. Jiske liye Oberoi. मेरे ससुराल वाले जाने जाते हैं. अब तक तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि मैं ओबेरॉय खानदान की सबसे छोटी बहू हूँ. पर आप लोग ये नहीं जानते कि वो कौन ओबेरॉय है जिससे मैंने शादी की है. चेत जी, क्या आप मेरे और मेरे हस्बैंड को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? This is Abhay Singh Oberoi, हमारा छोटा भाई. अभय मेरे चाचा मिस्टर विशाल सिंह ओबेरॉय का बेटा है. और मेरे हस्बैंड मायसेल्फ स्वेतलाना अभय सिंह ओबेरॉय. गौरी, गौरी, अली का पहुंचे, दरवाजा खोली. अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? ये क्या है? गौरी, गौरी, ये दरवाजे के बाहर कोई रिमोट लटका हुआ है, पता नहीं क्या है. पहले मैं इसे निकालती हूँ, फिर मैं दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? तुम चिंता मत करो. जाई, ध्यान से, पता नहीं कहाँ होगा. गौरी, पहुँचे. के पहुंचे हैं आप, आ गई. हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं पता नहीं. लेकिन तू अंदर बंद कैसे? अरे हम कुछ लेने के लिए आए हैं कमरे में, अचानक से आवाज आई, किसी ने हमें बाहर से बंद कर दिया. वही सोच रहे पता नहीं कौन हो सकता है. ये पक्का उस चीपड़ी ने किया होगा. पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. आप किसी रिमोट की बात कर रही थी, कहाँ है ये, किसका रिमोट है? गौरी मुझे नहीं पता, ये बाहर टंगा हुआ था. क्या है? सुने काम करते हैं, शिवाय से पूछ रहे हैं, क्या पता शिवाय को पता. अच्छा आप लोग सब जा सकते हैं, प्लीज जाइए. नो, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक ये नहीं पता चल जाता कि इस अटैक के पीछे किसका हाथ है. I need to know कि इस घर में मेरा दुश्मन कौन है. कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ लोग इस घर में ऐसे हैं जिन्हें मेरा यहाँ आना खटक रहा है, जो मुझे पसंद नहीं करते, जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि मीडिया के सामने मेरी मुंह दिखाई नहीं होने देंगे. आप किसकी बात कर रही है मिसेज ओबेरॉय? वही जो अपने गुनाह का सबूत अपने साथ लेके घूम रहा है. ये झूमर रिमोट से ऑपरेट होता है, तो ऑब्वियसली कल्प्रिट वही है जिसके हाथ में रिमोट है. एक सेकेंड, तुम आने का को अक्यूज कर रही हो? मैं बस वही कह रही हूं जो सच है. ना आप ही सोचिए, झूमर का रिमोट अनिका के हाथ में क्या कर रहा है. शिवाय मैंने कुछ भी नहीं किया. ये रिमोट तो मुझे गौरी के कमरे के बाहर टंगा हुआ मिला. हाँ बड़े भैया, ये सुल्ताना हमें कमरे में बंद करके चली गई थी और पहुंचाई ने हमें बाहर निकाला, तभी रिमोट बाहर दरवाजे पे मिला था. हमें नहीं समझ आया किस चीज का रिमोट है, तो हमने सोचा आपको दिखाए, इसलिए मैं इसे यहाँ लेके आई थी. ओह माय गॉड, एक तो मुझ पर अटैक हुआ है और ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं. अनबिलीवेबल. आप लोग सच जानना चाहते हैं? सच ये है कि इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं. ऑब्वियसली, क्योंकि इन्हें अपनी प्रॉपर्टी और ओबेरॉय एम्पायर मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ शेयर करना पड़ेगा. सच सच बोलिए जेठ जी, आज दिन में जेठानी जी ने मुझे चैलेंज किया था कि नहीं किया था कि आज शाम को वो मीडिया के सामने मेरी मुंह दिखाई नहीं होने देंगी? वो चैलेंज के लिए इतना गिर जाएंगी कि
मेरी जान लेने की कोशिश करेंगी? मैं और मेरे हस्बैंड अभय सिर्फ आपके भरोसे यहाँ आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप ना गलत करते हैं ना गलत सहते हैं, बल्कि गलत करने वाले को सजा भी देते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, है ना जेठ जी? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे जेठ जी मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अपनी वाइफ को वो सजा जरूर देंगे ताकि दोबारा वो ये गलती ना करे। सबक सिखाने से आपका क्या मतलब है मिसेज ओब्रॉय? मैं अगर जेठानी जी से पड़ी होती तो जेठानी जी को थप्पड़ मारती। लेकिन मैं इनसे रिश्ते में छोटी हूं, इसलिए मैं इन पे हाथ नहीं उठा सकती। इसलिए मैं चाहती हूं कि जो मैं नहीं कर सकती वो जेठ जी करें। मिस्टर शिवाय सिंह ओब्रॉय, हम सब आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं इस बारे में। क्या आप मिसेज ओब्रॉय की डिमांड पूरी करेंगे? क्या आप इंसाफ करेंगे? बोलिए ना जेठ जी, बताइए 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 आइए ना आइए बात कीजिए। आप जानते हैं कि करने के लिए मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप पे उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि आप वही करेंगे जो मैं कह रही हूँ। मिस्टर ओब्रॉय आप चुप क्यों हैं? क्या आप मिसेस स्वेतलाना ओब्रॉय की बात मानेंगे? क्या आप इन्हें इंसाफ दिलाएंगे? क्या आप अपनी वाइफ को सजा दिलाएंगे? बताइए मिस्टर ओब्रॉय। बस एक शब्द और नहीं, शिवाय सिंह ओब्रॉय इंसाफ करेगा। जिसकी गलती है उसे सजा मिलेगी। तुमने ही कहा था ना, जिसने गलती की है उसे सजा भी मिलेगी। ये है वो असली रिमोट जिससे ये झूमर ऑपरेट हुआ था। स्वेतलाना के साथ जो भी हुआ वो उसकी खुद की प्लानिंग थी, एक सोची समझी साजिश अनिका को सबकी नजरों में गिराने की। शायद ये भूल गई कि लोमड़ी चाहे कितनी भी शातिर हो जाए एक शेर से नहीं जीत सकती। मैंने तुम्हें इस घर में रहने दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं या तुम्हारी हर बात मानूंगा। और एक बात कान खोल के समझ लो, अनिका मेरा गुरूर है, और अगर मेरे गुरूर को चैलेंज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वेतलाना अगर इस घर में रहना है तो तमीज से रहो, और अगर तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों को जरा भी तकलीफ हुई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।